नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हजारों ग्रामीणों को मिलेगी मनरेगा में कच्ची नौकरी। पौधों में नियमित खाद पानी डालने व उनकी रखवाली करने वालों को सरकार बढ़ावा देगी। उनको कच्ची नौकरी पर रखा जाएगा। इसमें भुगतान नरेगा के मापदंडों के अनुसार दिया जाएगा। पर्यावरण प्रेमी को मानदेय मिलने से वे ज्यादा उत्साह व मेहनत से कार्य करेंगे। इसे वॉच एंड गार्ड नाम दिया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। पूरे राजस्थान में लगभग 7 से 8 हजार ग्रामीणों को रोजगार मिलने की संभावना है। हिस्ट्री शीटर का अवैध कब्जा तोड़ा, फैक्ट्री सीज की। बालोतरा पुलिस, नगर परिषद, डिस्कॉम ऑफ वन विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। यह कब्जा बालोतरा शहर के सरस डेयरी के सामने के एरिया में किया हुआ था। साथ ही जमीन पर संचालित अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्री को सीज किया। बालोतरा पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर अनवर खां के खिलाफ अलग अलग व गंभीर धाराओं में बालोतरा, जोधपुर, जालोर, शेरगढ़ आदि जगहों पर कुल 27 मामले दर्ज है। राशन डीलर एसोसिएशन की सरकार को चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 वर्षों से हक की लड़ाई लड़ रहे राशन वितरण विक्रेताओं के संगठन ने सरकार द्वारा उनकी मांगों की सुनवाई नहीं करने पर 1 अगस्त से राशन वितरण का कार्य ठप करने की चेतावनी दी है, जिससे संपूर्ण प्रदेश में राशन वितरण का कार्य ठप हो जाएगा। भारत पाक बॉर्डर पर मिली 40 करोड़ की हेरोइन। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर लगातार ड्रग्स मिल रही है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने श्रीगंगानगर और बीकानेर से सटे बॉर्डर से पिछले 24 घंटे में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले 15 जून को श्रीगंगानगर के ही कैलाश पोस्ट और PS 44 गांव से 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान से 100 करोड़ की ड्रग ड्रोन के जरिए भेजी गई है। इंदौर का स्वच्छता मॉडल अगले माह हो सकता है लागू। इंदौर का स्वच्छता मॉडल अलवर शहर में लागू करने की तैयारी हो गई है। माना जा रहा है कि नगर निगम अगस्त में इसकी शुरुआत करेगी। इसके बाद गंदगी फैलाने व नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस समय नगर निगम के अधिकारी इंदौर से जो बातें सीख कर आए हैं उन्हें प्लान के रूप में ढाल रहे हैं। उसके बाद संयुक्त बैठक पार्षदों के साथ करके नगर निगम इसे लागू करेगा। दोस्तों, क्या इंदौर का स्वच्छता मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू करना चाहिए? अगर आप इसे सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बजट में जयपुर के लिए बड़ी घोषणा। बजट में जल परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा, जिसे बीसलपुर से जयपुर तक पानी लाने के लिए दूसरी पाइपलाइन भी डाली जा सकेगी। रामगढ़ बांध में पानी लाने का रास्ता भी सुगम हो गया है। बांध में एशियाड की नौकायन प्रतियोगिता भी हुई थी। परियोजनाओं की DPR तैयार होने के बाद वित्तीय सहायता मिल सकेगी। पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा है कि इससे राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है। गहलोत मंगलवार को केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि राजनैतिक कारणों से केंद्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया हो। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट की तारीफ की। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि किसानों, महिलाओं, युवा और गरीब को ध्यान में रखकर बनाया गया केंद्रीय बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना एक गेम चेंजर साबित होगी। तैयार हो रहा एयरपोर्ट स्टाइल में रोडवेज बस टर्मिनल। जोधपुर के आधुनिक रोडवेज बस टर्मिनल पर यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलने वाली आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन तैयारी कर रहा है। रोडवेज जोधपुर प्रबंधन कमर्शियल गतिविधियां संचालित करेगा। बस टर्मिनल पर यात्रियों को आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में बस टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर 1 साथ 21 बसें खड़ी हो रही हैं। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हो उस जिले का नाम कमेंट में लिखे। राजस्थान में निपाह वायरस अलर्ट। केरल में निपाह वायरस के कारण हुई एक मृत्यु के बाद राजस्थान में भी निपाह वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक रवि प्रकाश माथुर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने केरल से यात्रा कर आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। होटल संचालकों को भी पर्यटकों की निगरानी रखने के लिए सतर्क किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में विद्यार्थियों को रोज मिलेंगे 10 से 20 रुपए। दूरी से तय होगी राशि। राजस्थान के राजकीय स्कूलों की कक्षा
एक से आठ तक की छात्राओं को, साल के 3000 व कक्षा नवीं से दसवीं तक की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 5400 रुपए अधिकतम राशि दी जाएगी। यह राशि स्कूल में उपस्थित रहने के दिन के हिसाब से दी जानी है। कक्षा नौवीं में प्रवेश लेने वाली जिन बालिकाओं को साइकिल योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें वाउचर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ट्रांसफर वाउचर की यह राशि पात्र छात्राओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी। घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या इससे अधिक है तो छात्राओं को पैदल जाने की जरूरत नहीं है। उनको स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाएंगे, जिसके तहत 10 से 20 रुपए रोजाना मिलेंगे। राजस्थान में पिछले 5 साल में कांग्रेस ने लिए इतना कर्ज, राजस्थान पर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 6,40,687 करोड़ रुपए का कर्जा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री की जगह जवाब दे रही सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बेतहाशा कर्ज लिया। पिछली सरकारों ने 67 सालों में जितना कर्ज लिया, उतना पिछली सरकार ने 5 साल में ही ले लिया। आज से प्रदेश भर में हड़ताल पर सफाई कर्मी, प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था आज से चरमरा सकती है। दरअसल प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कई शहरों में हड़ताल की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे शहर में कचरा नहीं उठा। सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती मस्टर रोल के आधार पर हो। सफाई कर्मचारी की बहाली में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि सरकार ने यह भर्ती मस्टर रोल के आधार पर नहीं कराने का फैसला लिया था। राजस्थान की फ्री बिजली योजना नए आवेदकों के लिए बंद। गहलोत सरकार की 100 बिजली यूनिट फ्री वाली योजना का लाभ नए आवेदकों को नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर यह जानकारी दी। बसपा विधायक मनोज न्यांगली के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस यह स्कीम लाई थी। उन्होंने कहा कि अगर सबको लाभ देना होता तो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखने की जरूरत नहीं होती। बीसलपुर बांध का जलस्तर चौथे दिन भी गिरा। बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार चौथे दिन मंगलवार को भी 2 सेंटीमीटर गिर गया है। आज दोपहर 12 बजे तक बीसलपुर बांध का जलस्तर 310.19 आरएल मीटर है, जबकि 24 घंटे पहले इसका जलस्तर 310.21 आरएल मीटर था। बांध के भराव क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश नहीं होने से बांध का जलस्तर लगातार 4 दिन से कम हुआ है। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 23 जुलाई को गूगल और एक्स, पूर्व में ट्विटर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि बिरला के ऊपर उनके पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके यूपीएससी क्लियर करने का आरोप लगाया जा रहा था। अंजलि ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो यानी अज्ञात लोगों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए। निजी गौशाला में शिफ्ट होंगे गौंश। कोटा नगर निगम की गौशाला फिर से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रही है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते यहां सुविधाएं नहीं है, दवाओं की भी कमी है, साथ ही गौशाला में जगह की कमी है। ऐसे में संख्या से ज्यादा गौंश रखने से उनकी मौत भी होती है। अब निगम की गौशाला से करीब 605 लावारिस गौंश को जिले की निजी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। पालनहार योजना के लाभार्थियों का वार्षिक नवीनीकरण 31 जुलाई तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के तहत आवेदक को स्वयं का और बच्चों के आंगनवाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण 31 जुलाई तक करवाना अनिवार्य है। नगर निगम कर्मचारी 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर एसीबी ने आज नगर निगम हेरिटेज में पशु प्रबंधन विभाग में कार्यरत एक सफाई कर्मी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एकल पट्टा प्रकरण में सरकार की जांच कमेटी जारी रहेगी। एकल पट्टा प्रकरण में भजन लाल सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जारी रखा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड ISGS संधु के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी को रद्द करने की मांग की थी। रिटायर्ड IAS संधु ने लगाई थी रद्द करने की गुहार। अगले सप्ताह होगी फाइनल सुनवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लिया यूटर्न, आदेश करना पड़ा निरस्त। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों के बाद अब एक आदेश को लेकर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने एक पत्र जारी कर पूर्व में गहरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गोरा को पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सोशल मीडिया पर बवाल होने के बाद दिलावर ने इस निरस्त का आदेश जारी कर दिया है।
राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक, 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ा ले गए। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन का खुला खेल चल रहा है। देर रात एसडीएम बद्री नारायण विश्नोई ने बनास नदी में औचक निरीक्षण कर करीब 150 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन करते हुए पाया। मौके पर बड़ी तादाद में परिवहन होते देख एसडीएम ने पुलिस सहायता मांगी, लेकिन पुलिस के नहीं पहुंचने से अवैध बजरी खनन माफिया दल बल के साथ बस में सवार होकर आए और जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी छुड़ा ले गए। जयपुर में सोना चांदी की कीमतों में कमी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सायने चांदी पर मूल आयात शुल्क काए 15 से घटाकर 6% कर दिया। इसके साथ ही टैक्स की नई दर प्रभावी हाई गई। उधर आयात शुल्क में कमी के बाद मंगलवार काए जयपुर में शुद्ध सायना 1950 तथा 22 कैरेट जेवराती सायना 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1800 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हाएगा। हालांकि आयात शुल्क में 9% कमी से सायना 5500 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा चांदी 6000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हाईनी चाहिए थी, लेकिन बुलियन आयातकाएं और बैंकाएं ने मायके का फायदा उठाकर सायना चांदी पर 1000 से 2000 रुपए प्रीमियम बढ़ा दिया। इससे आयात शुल्क में कमी का पूरा फायदा ग्राहकाएं काए नहीं मिल सका। 3 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, तापमान गिरा। राजस्थान में आज भी अधिकतर हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। इनमें सवाई माधोपुर में अति भारी बारिश और दौसा टोंक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जयपुर में भी बुधवार की शुरुआत रिमझिम बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर बारिश हुई। आज सवाई माधोपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान को दिया तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया। निर्मला सीतारमण ने राजस्थान को 1578 एकड़ के एक नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रोजेक्ट में करीब 922 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 112 साल पुराने घंटाघर में बनेगा रूफटॉप रेस्टोरेंट। जोधपुर के 112 साल पुराने घंटाघर की तस्वीर बदलने जा रही है। इसे लेकर डीपीआर तैयार हो चुकी है। केंद्र सरकार की सहायता से इस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जहां रूफटॉप रेस्टोरेंट से लेकर हेरिटेज मार्केट भी बनेगा। इतना ही नहीं, यहां पहले से मौजूद 600 दुकानों को दोबारा डेवलप कर इनका रंग एक जैसा किया जाएगा। आकाशवाणी के राकेश जैन करेंगे पेरिस ओलंपिक खेलों का कवरेज। विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी जयपुर के प्रमुख राकेश जैन पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ओलंपिक खेलों के विस्तृत कवरेज के लिए 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे। आकाशवाणी द्वारा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में हॉकी, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों की लाइव कमेंट्री, प्रति घंटे लाइव अपडेट और प्रतिदिन खेलों पर आधे घंटे की रिपोर्ट सुबह 7 से 7:30 बजे प्रसारित की जाएगी। भारत विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मंगलवार को नेपाल को 82 रन के अंतर से हराया। यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। राजस्थान के इस शहर से खूबसूरत वादियों तक सीधी चलेगी ट्रेन। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल ट्रेन से राजस्थान के यात्रियों को असम तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी संतान की जानकारी छुपाई, सरकार ने पार्षद को किया बर्खास्त अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ नगर परिषद के निर्दलीय पार्षद को 3 संतान होने के बावजूद चुनाव लड़ने के आरोप में स्वायत्त शासन विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।